إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اعوذ بك من خزائن الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله تعالى جن وإنسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے پوری مخلوقات کی پیدائش کرنے کے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یکسو ہو کر اسی کو خوش کرنے کے لیے اسی کی عبادت کی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس کا مخلوق پر حق ہے اور مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پروردگار کا حق کما حق کو بجا لائے اللہ تعالیٰ کے اس حق کا بھی تقاضا ہے کہ ہم پوری زندگی اسی کی عبادت کریں اس کے ساتھ اسے کچھ نہیں دینا چاہ رہا ہے یہی نجات کا راستہ ہے یہی کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے یہی وہ طریقہ ہے جس پر چل کر دیکھے قوم ہوئی ہیں یہی دنیا علیہ السلام کی دعوت ہے
बार आप गलत हैं, हत्या की बात हमें आगे साल सलाम बार बार किसी चीज की तरफ बुलाते रहे, दावत देते रहे, इसी दावत के अंदर दावत तौहीद को आप करने के लिए अभी आए हो सलाम को अपने इलाके में छोड़ने पड़े, हिजरत से करनी पड़ी, वक्त के अधीन कदम पर सैयद इब्राहिम अलैहि सलाम को इसी तौहीद की दावत की वजह से आज हमको गाली दिया गया, हम पर उनकी मदद फरमाई। यही चीज अमल की जात है, लेकिन बंदे की कामयाबी और हिदायत का जरिया और सबब है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस आप अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी मार जबकर से अल्लाह तआला आपके साथ सवारी का सवार है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने इस प्यारे सहाबी की तरफ तवज्जो मंजूर फरमाया, और इबादत ये दुआएं, ये अज़कार, ये कुरान पाक की तिलावत,
सदका खैरात ज़कात जो भी माल खर्च करने के ताल्लुक से जो भी काम है, ये सारे के सारे ये जो इबादत की मिसल है, खिलाना पिलाना अल्लाह ताला के मुकर्रमात को रिफाही काम करना, जो भी खर्च के ताल्लुक से अल्लाह के राह में करने के लिए बंदा जो कुछ भी खर्च करता है, ये सब कुछ अल्लाह ताला के लिए, ये मालिक का है। शहरी इबादत रुकू सजदा क़ियाम ये इबादतें किसके लिए है? अल्लाह ताला के। जब भी कोई बंदा तशहुद पढ़ता है तशहुद में क्या कहता है? अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु तय्यिबात। माली बातें, औली बातें, फेरी बातें, सारी की सारी बातें किसके लिए है? लिल्लाहि अल्लाह के लिए। बंदा नमाज शुरू की, बंदे ने नमाज शुरू करते समय बंदा क्या कहता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह तो हर चीज से बड़ा है, तमाम के तमाम तेरी मखलूकात से छोटा, तुझसे बड़ा या तेरे बराबर का कोई भी नहीं है, ना कोई बली, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई पैगंबर और ना कोई फरिश्ता, तू सबसे बड़ा है। फिर बंदा सबसे पहले जो दुआ अपने रब के सामने पढ़ता है नमाज की हालत में, क़ियाम की हालत में, क्या कहता है? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्लक। अल्लाह तो पाक है, तमाम के तमाम शरीकों से, हर किस्म के नक से, आयब से, कमजोरी से तो पाक है, अपनी तारीफ के साथ, तारीफ भी तेरे लिए और हर किस्म की कमजोरी से तो पाक और मुनज्जह है। व तआला जद्दुका व तबारक इस्मुका तेरा नाम का बरकत है, व तआला जद्दुका तेरी बुजुर्गी बुलंदों वाला है, व ला इलाहा गैरुक तेरे इलावा के मामूद वाला। तो बंदा नमाज में इकरार करता है इया नअबुदु व इया नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह अकबर। इया की हालत में, रुकू की हालत में बंदा क्या कहता है? सुभान रब्बी अज़ीम, मेरा रब पाक है, हर किस्म की शराकत से, आयम से, नक से, ये बहुत अजीम जात है। रुकू से खड़ा हुआ क्या दुआ की? अल्लाह रब्बना लकल हम्द, अल्लाह हर किस्म की तारीफ तेरे लिए। सजदे में किया क्या दुआ की? सुभान रब्बी अल आला, अल्लाह ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार, तू हर किस्म की शराकत से, आयम से, नक से तो पाक है, तू बुलंद दुआ है। ये दुआएं बार 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 किस किस्म की जा रही है? कोई एक भी दुआ का कोई एक भी जुमला ऐसा नहीं है जिस जुमले से ये हासिल हो रहा हो कि थोड़ा सा घर में से दिमाग अदा सकता है। कम अज कम नमाज में गौर कर लिए थे अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक पूरी की पूरी दुआ किस से मांगी? अल्लाह से मांगी। ये सब रोज हम पांच फर्ज नमाजें पढ़ते हैं, बार 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 हम ये इकरार करते हैं, गोया कि हम अपने इस्तेमाल से ये साबित करते हैं, जैसे पूरी की पूरी नमाज में अल्लाह ताला का कोई शरीक हम करार नहीं देते, गोया के ये हमें समझ लिया इसी तरह पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया है, न उसकी इबादत में, न उसके असबाब सिफात में, और न ही उसकी जात में। अल्लाह अकबर। यही अंबिया अलैहिस्सलाम के भेजने का मकसद था, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। एक आयत फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबूदून। ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने भी पैगंबरों को हमने भेजा उनकी तरफ यही वही थी, ला इलाहा इल्ला अना। अल्लाह ने फरमाया मेरे इलावा के माबूद हक नहीं, मैं ही मुश्किल कुशा हूँ, मैं ही हाजत रवा हूँ, मैं ही बिगड़ी बनाने वाला हूँ, मेरी ही मदद किया। वलकद बअसला लिकुल्ली उम्मतिर रसूलन अन यअबुदुल्लाह वत्तबिउत्तारू। फरमाया हमने तमाम के अपने उम्मतों में पैगंबरों को भेजा अलैहिस्सलाम, सबकी जो मैं दावत थी वो ये दावत थी अन यअबुदुल्लाह, अल्लाह ही की इबादत करो, वत्तबिउत्तारू तागूत की बंदी से। अल्लाह फरमाया आदि रखा
الله إله واحد فرق مسلم لوگوں مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اور فائدہ کس کا ہوگا صرف اسی کو فائدہ ہوگا جب میری دعوت پر لبیک کہے گا قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد لوگوں سن لو جیسے میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اسی رب نے میری جب یہ وحی نازل ہوئی ہے قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد اسی رب نے مجھے یہ بتلایا ہے وہی کر کے اس کے علاوہ کی عبادت کے لائق نہیں اسی کی عبادت کرو وہی مشکل کشا وہی حاجت روا وہی بگڑی بنانے والا وہی کھلانے والا وہی پلانے والا وہی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کے یہ حق ہم نے توفیق اس کے ساتھ قرآن بھرا پڑا ہے تمام کے تمام نبی علیہ السلام کی بنیادی دعوت اللہ تعالیٰ کے اسی حق کو لوگوں تک پہنچانا تھا اگر اس حق سے ہم محروم ہیں یقین جانیے کہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ مغفرت سے وہ لوگ محروم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس حق کو سمجھتے نہیں ہیں اس حق کے حق کے توحید کو بناتے ہیں اللہ اکبر توحید کے بڑے بڑے فضائل کتاب و سنت میں بیان کیے گئے امام النبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ جو دعا بھی کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا یہ دعا کبھی اس کی رد نہیں کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیاروں کو قبولیت کی دعائیں وہ زندگی میں کر لیں اپنی قوموں کے حق میں یا اپنی قوموں کے خلاف لیکن میں نے اس دعا کو چھپایا میں نے اس دعا کو چھپایا رکھا کبھی اس دعا کو میں استعمال کروں گا فرمائیں میں یہ دعا تو دعوتی شفاعت لامت یوم القیامہ فیا نائلتم من مات من امتی لا جنبی شکا میں نے اس دعا کو چھپا رکھا ہے قیامت کے دن میری اس دعا کی برکت سے وہ تمام کے تمام میری امت کے لوگ فیضیاب ہوں گے جو دنیا میں رہے شرک نہیں کیا میری اس دعا کا فیض میری اس دعا کا فائدہ نتیجہ میری اس دعا کی برکت سے میری امت کے وہ سارے کے سارے لوگ فائدہ حاصل کریں گے برکت اٹھائیں گے اس دعا کی برکت فضیلت اور میری امت کے لوگوں کا ملے گا جو اس حال کے دنیا سے جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اللہ کا کتنی پیر کی دعا اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو چھپا لیا قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اس دعا کو پیش کریں گے اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے آپ کی تمام کی تمام امت کے لوگ جو مشرک نہیں تھے جو دنیا سے گئے توحید کی حالت میں اس دعا کا فائدہ ہو اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اصحاب الناس کی شفاعت کے یوم القیامہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہوگا سعادت مند ہوگا خوش بخت ہوگا جس کی آپ سفارش کریں گے جو آپ کی سفارش کا مستحق ہو کر خوش نصیب قرار پائے گا وہ کون خوش نصیب ہے فرمایا اسعد اللہ کی شفاعت یوم القیامہ من مات لا یشرک باللہ شیئا وہ بندہ سب سے بڑا قیامت کے دن سعادت مند ہوگا خوش نصیب ہوگا جس کی میں سفارش کروں گا وہ شخص ہوگا اس نے پوری زندگی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا مانا اس دعا کا فائدہ آپ کی سفارش کا فائدہ صرف اور صرف ان خوش نصیب اللہ کے بندوں کو ہوگا جو دنیا میں شرک نہیں کیا قربان جو بندہ موحد ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہی اس کی روح جیسے ہی برباد ہوتی ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے یہ ہے توحید کی فضیلت یہ ہے توحید کی فضیلت توحید پر خاتمہ کی فضیلت
से जाता है आगे जन्नत उसके लिए तैयार है। सही मुस्लिम की हदीस है, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौत का जो दुनिया से गया, जो फौत हुआ, जिसकी मौत आते हुई है, इस हाल में वो अल्लाह, इस हाल में उसके लिए अकीदा था, उसके लिए नजरिया था, वो इस मनहज पर कायम था कि मुश्किल पूछा हाजत रवा बिजली बनाने वाला इबादतों का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई नहीं, जिसका यह अकीदा था। इसी अकीदे को लेकर दुनिया वाले से जुदा हुआ, अल्लाह ताला के पास किया, दुनिया से रुखसत हुआ, ये दाखिल ये फिर माजी है। माजी का मतलब ये होता है कि ये काम हो चुका। यहाँ इमाम नबी अलैहिस्सलाम ने गोया कि ये फरमाया कि इसका जन्नत में जाना ऐसा यकीनी है जैसे कोई काम हो चुका होता है, उसका हो जाना यकीनी होता है। ये बंदा भी ऐसे जन्नत में इसका जाना यकीनी है जैसे वो काम हो चुका होता है जिसका हो जाना यकीनी। इसी तरह सही बुखारी की हदीस उस नौजवान बच्चे के बारे में जो इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने हिजरत किया था, वो यहूदी का बेटा, यहूदी, इसका बाप यहूदी, ये भी यहूदी। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे को खूब पाया, पता चला कि ये बच्चा बीमार है, मरीज है, अलील है। आप अलैहिस्सलाम इस बच्चे की ईमानदारी के लिए घर चले गए। अल्लाह अकबर, बच्चा बीमार है। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने बच्चे की जाकर इयादत की, हमें भी अदब करनी चाहिए मरीजों की। ये तो हालांकि यहूदी का बयान है, खुद भी यहूदी, बाप भी यहूदी, लेकिन आप इस रब की अदब के लिए। अफसोस, इन चीजों से हम दूर हैं। पड़ोस में हमारे जमाते बीमार है, पता नहीं नमाज में नहीं है, कुछ भी पता नहीं, नहीं अल्लाह के बंदो। मुसलमान का एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, छह हुकूम है। जब वो बीमार हो जाए, उसकी दीमारदारी की जाए, सलाम का जवाब दिया जाए, इसी तरह उसकी चीख का जवाब दिया जाए, उसके जनाजे के पीछे जाया जाए, उसकी दुआ कबूल की जाए, अगर वो दावत दे तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। ये उसका हक है जो उसकी दीमारदारी की है, लेकिन हम इससे महरूम नहीं रहना चाहते। और फरमाया जो मरीज की आदत करता है, सुबह जाता है, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। फिर शाम को जाता है, सुबह तक इस मरीज की आदत करने वाले के लिए, जाने के लिए, जाने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और शेख मुस्लिम की हदीस है, ये बंदा जब तक मरीज के पास बैठा है, इसको तसल्लियां दे रहा है, इसके लिए दुआ शिफा कर रहा है, उस वक्त तक फरमाया जन्नत के बगीचे में बैठा है। हम लोग इससे महरूम है अल्लाह माशाल्लाह। हमारे दोस्त, हमारे साथी, ये हमारे मुसलमान भाई है, हम जाए अगर ये बीमार है, हॉस्पिटल तक पहुंचे, इनकी आदत करें, इनकी जमादारी करें। हत्ता ये शरीयत ये कहती है अगर कि मुसलमान फौत हो गया, दुनिया से चला गया, उस वक्त तक उसको तन्हा नहीं छोड़ो जब तक कब्र उसको दफना नहीं आ, जब तक वो खुद दुनिया से न चला जाए, उस वक्त तक तुम्हारा साथ उसके साथ होना चाहिए। फरमाया जो मरीज की आदत करता है, जन्नत के बगीचे है, जो जनाजा पड़ता है, यूं समझे कि एक और बाहर अजर का लेकर वापस आ रहा है। जनाजे में भी शरीक हुआ, तस्वीर में भी शरीक हुआ, फरमाया दो और बाहर अजर के लेकर घर वापस आ रहा है। इतनी सदी से है नमाज की, हम महरूम हैं, नहीं अल्लाह के बंदो, इन चीजों का हमें इख्तियार करना चाहिए। अर्ज कर रहा था आप यहूदी के बच्चे की जिम्मेदारी के लिए, बच्चा बीमार है, होश में खड़ा नहीं, आप अलैहिस्सलाम इस बच्चे से कहा, या गुलाम कुल्ला या हैला, ऐ बच्चे मेरी बात मान लो, कल मैं तो ही पढ़ लो, अकीदा तो ही इकरार कर लो। अल्लाह अकबर, बच्चे ने बाप की तरफ नजर उठा के देखा, बाप ने कहा अतीब अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे बेटे, ये इमाम अल-अंबिया है, हमारी किताबों में मौजूद है, इसकी सिफात, इसकी खूबियाँ, ये वही पैगंबर है जिसकी बातें हम नहीं मान रहे, जिसको हम नहीं मान रहे, मेरी तुझे ये नसीहत है, अति अल-कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब के लिए। फरमा बता रही कि यहूदी का बेटा है, ये खुद बाप यहूदी है, यहूदी होने के बावजूद अपने बाप अपने बेटे को क्या कह रहा है, अति अल-कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की फरमा बता रही कि ये सच्चे नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, वो अलग बात है, हमारे में आपका नहीं मान रहे हैं, कम तुम तो मान लो, क्या पता जिंदगी का फरमा करेगा, क्या पता बात
जैसे कलमा पढ़ा इमाम अल-अंबिया इस्लाम से अपना काम करके बाहर आ गए। अल्लाह अकबर कर दिया, जैसे बाहर आए पता चला कि बच्चा दिल से जा चुका है, फिर अंदर गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनज़लहु मिनन्नार, तमाम के तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए है जिस अल्लाह ने इस बच्चे को जहन्नम के आग से बचा लिया। खात्मा भी खैर हो गया, खात्मा तौहीद पर हुआ, ईमान पर हुआ। आपका सहाबी ये बनना खात्मा हो गया, कुर्बान दो। एक हदीस पर इस बच्चे ने अमल किया, एक हदीस पर मौका ही नहीं मिला, जिंदगी ने वफा ही न की। ये एक ही हदीस अकीदा की इस्लाह पर थी, उसी वक्त रूह परवाह हो गई, अल्लाह ने जन्नत को मुस्तहिक बना दिया, तौहीद पर खात्मा हुआ। पता क्या चला, जो बंदा तौहीद पर दुनिया से जाता है जाते ही जन्नत में जाता है। इमाम नबी अलैहिस्सलाम की सही बुखारी की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा मुझसे को मेरी बात कबूल कर ले, क्यों मैंने अपने सच्चा मुताबिक पर पेश की लेकिन मेरे सच्चा मुताबिक ने न मानी, फरमा जो बंदा मेरी वो बात अकीदा तौहीद पर मबनी बात कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात जो मैंने अपने सच्चा मुताबिक पर पेश की लेकिन उसने न मानी, जो बंदा मुझसे ये बात कबूल कर लेगा मैं जमाने से कहूँ ये बंदा जन्नत में। कितनी बड़ी फजीलत है, सही मुस्लिम की हदीस है। अबू बकर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी है, कहते इमाम अलैहिस्सलाम मुझसे छुप कर ओहद पहाड़ की तरफ चले गए और मुझे कहा कि मैं उधर ही रुकता ही रुको, भले मेरे साथ जो मर्जी हो जाए तुमने मेरे पीछे नहीं आना। कहते इमाम अलैहिस्सलाम की मैंने आवाज़ें सुनी, ऊंची ऊंची आवाज से आप देखे किसी को बुला रहे हैं, किसी से हम कलाम है, किसी से बातें कर रहे हैं। मेरे दिल ने बड़ा चाहा कि मैं जाऊँ लेकिन आपकी हदीस थी उधर इधर ही रुक रहा है, मेरा भी मैं आर्डर है हुक्म है लेकिन आपके बात मुझे याद थी मैं नहीं किया, इधर ही रुक रहा। थोड़ी देर के बाद इमाम नबी अलैहिस्सलाम वापस है, क्या फरमाते हैं, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह बशारत दी है, यह खुशखबरी दी है, ए इमाम अल-अंबिया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मत में से जो तौहीद के साथ तुमने दुनिया से गया मुझे मेरे रब ने आपसे भेजा है, आपको मैं खुशखबरी सुनाने आया हूँ, ये बशारत देने आया हूँ कि जो भी आपकी उम्मत से इस हाल में दुनिया से गया जो शिर्क नहीं किया करता वो जरूर भी सुन जन्नत में जाए। कितनी बड़ी बशारत है अल्लाह के बंदो, लेकिन अफसोस दर अफसोस अफसोस की बात यह है कि इस हकीकत में हुआ है। एक हकीकत सब तमाम पाकिस्तानी जानते हैं, इस हकीकत को एक हकीकत को जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है इसकी असल वजह क्या है सब पाकिस्तानी जानते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। आपका पता है जिसको वजीर आजम बनाया गया पहले एक कब्र पर गया इसने जाकर सच्चा किया उसका नतीजा ये है, किसी को किसको पता नहीं है कि इसने जाकर वहाँ लाश बाकी को उधर ये पंजाब की तरफ जाके फिर सच्चा किया सच्चा रेड हुआ इसकी रूप की बीवी पीर भी है पहले उसने सच्चा किया वजारत को जो हाल लेने से पहले वजीर आजम बनने से पहले फिर इसने जाकर वहाँ सच्चा किया किसको पता नहीं। नतीजा क्या है शिर्क का देखो रात ही रात में क्या हो जाता है चीजें कितनी महंगी हो गई क्या नतीजा है जब हमारे हुक्मरान सबके सामने शिर्क करेंगे और फिर भी हम उनको उबर करेंगे तो नतीजा यही होगा जो आप उनके सामने दे रहे हैं कुरान बात नहीं है। अल्लाह का ने फरमाया अलम तर इल्लज़ीना बदलु नि'मतल्लाहि कुफ्रन वा हल्लु क़ौमन दार बवार, काश कि हम कुरान का मुकाला करते कुरान पढ़ते सूरत इब्राहिम पढ़िए अल्लाह ने इस हकीकत को वादे किए हैं। क्या आप उन लोगों को आपने नहीं देखा उनको नहीं जानते जिन्होंने अल्लाह तआला की नेमत को तब्दील कर दिया कुफर में वाहलुकुम दार बवार खुद भी जहन्नम में गए अपनी पूरी कौम को जहन्नम में ले गए अल्लाह ये कौन कह चुके हैं किन का तस्करा फरमा रहा है फरमा वजह अल्लाह अंदाज अली दुल्लु अल सबीली ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर मखलूकात के आगे उन्होंने सर झुकाए इबादत की उनको खुश करने के लिए सच्चे किए रुकू के लिए वो लोग हैं। अल्लाह दुनिया में तो बड़े हचाल बच्चा तरीके से ये रह रहे हैं फरमाया कुल तवक्का हूँ इनको कह दो मदद करो सही ने बसी रख मेरे अल्लाह तुमने फिर तौबा न की शिर्क से प्यार न हुए इसी रास्ते पर चलते रहे खुद भी जहन्नम का ही दर बनोगे और अपनी रियायत को
जो तुम्हारे पीछे इस काम में शिर्क में चल रहे हैं वो भी हमें अल्लाह से डर जाना चाहिए। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का जो हक है हम पर, उसको जब बजा लेंगे, उसको अपनाएंगे। आखिरी बात मैं बात खत्म करता हूँ, अगर हमारे अंदर ईमान है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में फले रिज़्क ना हो, लेकिन अगर हम अल्लाह के नाम मुखलिस हैं, अल्लाह का हम पर रिज़्क पहुँचाएगा। कैसे? सही बुखारी की हदीस है, इमाम अल-बुखारी साहब के प्यारे सहाबी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना हुआ, हारिस के बेटों ने ख़ुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया। अब जंजीर में चक्कर दिए क्योंकि ख़ुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके दूसरे साथी के सहाबा ने रिज़वानुल्लाह अलैहिम हारिस को कत्ल किया। बेटों ने पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिया। पूरे पूरा वाक़िया किताब अल-मुग़ाथी सही बुखारी में मौजूद है। इख्तिसार के साथ अर्ज़ करता हूँ ताकि हमारी सलाह हो जाए कि ख़ुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के वली हैं, मुत्तकी है, परहेज़गार है, इमाम नबी अलैहि सलाम के सहाबी हैं। अल्लाह अकबर, इनको चक्कर दिया गया। इसी घर की जो औरतें हैं जो बाद में मुसलमान हुई, ये कहते हैं अल्लाह की कसम ख़ुबैब जैसे अजीज ऐसे हमें नहीं मिलेगा। पूरे मक्का में फल रही है, मक्का वाले एक एक लुक्ते को तरस रहे हैं, लेकिन ख़ुबैब अल्लाह तआला जंजीर में जके हुए हैं, बंद कोठरी में है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ख़ुबैब अल्लाह तआला मेरे बिल्कुल करो तरह रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह है। जब हम अपने रब के साथ मुखलिस हो जाएंगे, क्या महंगाई, क्या कुछ, आप मुखलिस होइए, अल्लाह तआला से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह ऐसी आसानी आएगी अल्लाह तआला की तरफ से जो हमारे महबूब मुवाफिक नहीं है। उस वक्त पूरे मक्का में फल नहीं है, लेकिन ख़ुबैब रज़ी अल्लाह तआला को जन्नत के मेवे खिलाए गए सबके सामने, और ये बताया गया जो बंदा भी अल्लाह को हो जाएगा अल्लाह उसका हो जाएगा, हमें चाहिए अल्लाह के हो जाए, अल्लाह हमारा हो जाएगा। अल्लाह तआला से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया उसके मुताबिक हम सबको अपने अपनी सलाह करने के लिए बता रहा है, खासकर अकीदत तौहीद पर। अल्लाह तआला अकीदत तौहीद की हमारे अंदर खैर पैदा फरमाए, अकीदत तौहीद पर खात्मा फरमाए, इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।